कैसे हो आप सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं गोश्त और कच्चा पपीता। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम गोश्त ले लिया है और उसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और कुकर में ऐड कर दिया है मैंने। तो चलिए फ्रेंड, इसमें मैं मसाले ऐड करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और चॉप कर लिया है, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड मैंने इसमें 2 तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए हैं और यहाँ पर मैंने कुछ गर्म मसाले लिया है, वो भी ऐड कर दूँगी मैं। तो फिर आधा टेबल स्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है मैंने, आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, स्वाद अनुसार मैं नमक ऐड कर दिया है और 1 कप के करीब मैं इसमें तेल ऐड कर दूंगी और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करने वाली हूँ। फिर मैं इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी। तो फ्रेंड, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं सीटी लगा दूंगी, 2 से 3 मुझे सीटी लेनी है। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 500 ग्राम कच्चा पपीता लिया है, मैंने इसको बहुत अच्छे से धोकर रख लिया है, इसको इस तरह से चॉप कर लिया है। आप भी इसी तरह के पीसेस काट लें। और फ्रेंड, मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज का टमाटर चॉप कर लिया है और यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड की हैं, इस तरह से चॉप कर ली हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया मैंने। तो फ्रेंड देखिए, 2 से 3 सीटी लेने के बाद मैंने अपना गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है और देखिए मेरा गोश्त बहुत अच्छे से भुनता आ रहा है। तो फ्रेंड, 1 टेबल स्पून में मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी और बहुत अच्छे से भून लूंगी। और मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, देखिए कितने अच्छे से भुनना है हमारा मसाला गोश्त का। आप भी इसी तरह ट्राई करें एक बार, बहुत ही टेस्टी और जायकेदार लगता है गोश्त और कच्चे पपीता। तो फ्रेंड, मुझे इसे तब तक के लिए भूनना है तब तक ये तेल छोड़ देगा और देखिए कितने अच्छे से तेल छोड़ता आ रहा है मेरा मसाला गोश्त का। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर और हरी मिर्च चॉप किए हुए। मैं इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड, मैं इसे 2 मिनट के लिए भूनूंगी बहुत अच्छे से, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी पपीता। तो फ्रेंड, 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ पपीता। तो फ्रेंड, मैंने सारा पपीता ऐड कर दिया है, मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड, मैं इसमें 1/2 कप के करीब पानी ऐड कर दूँगी और अब मैं इसमें 3 से 4 सीटी और ले लूँगी जिससे कि हमारा पपीता बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाए और गल जाए जल्दी। तो फ्रेंड देखिए, 3 से 4 सीटी लेने के बाद मेरा गोश्त और बहुत ही अच्छे से पपीता गल कर तैयार है। और देखिए, अब मैं इसको बहुत अच्छे से मेस कर लूँगी पपीते को गोश्त में। फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से गल गया है, इसी तरह से सारे मेस कर लूँगी मैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सारा पपीता मेस कर लिया है बहुत अच्छे से और मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाऊंगी बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। और मेरा गोश्त और पपीता बनकर तैयार है, आप भी इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। बहुत ही जायकेदार लग रही है देखने में और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनी है। तो फ्रेंड देखिए, 1 से 2 मिनट हो गई हैं, मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया चॉप किया हुआ था वो ऐड कर दिया है मैंने। तो फ्रेंड, मैंने 1 बाउल ले लिया है, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ सालन। तो चलिए फ्रेंड, गरम गरम सर्व करते हैं। खुशबू कितनी अच्छी आ रही है माशाल्लाह।
तो फ्रेंड देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है सालन अपना एक बाउल में, और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है मेरी डिश। गरम गरम खाइए और कमेंट करके मुझे बताइए, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें बनाकर, और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी लगी रेसिपी मेरी। तो फ्रेंड मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करने वाली हूँ, और आप इसको ऐसे भी मिक्स कर सकते हो गोश्त में और कतले भी रख सकते हो, दोनों ही बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में दोनों ही तरीके से। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, और मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़, अगली रेसिपी के लिए बाय बाय।